हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब? आप सभी का काफी सारे Q&A है और मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर के जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी के लिए ही मैं इस वीडियो को स्टार्ट किया हूं, तो आप सभी से ही बात करने वाला हूं। देखिए, काफी सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई आपकी सैलरी क्या है। तो सैलरी आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आखिर सैलरी मेरी कितनी है। और काफी सारे लोग ये भी हैं कि जो दूसरे दूसरे जॉब खोजते रहते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। इसमें भी कंफ्यूज्ड काफी सारे लोग हैं। आप किस लाइन में काम करते हैं, मैं सारी चीजें आप सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए, मेरा नाम है सर्वर और सर्वर मिर्जा ब्लॉग से जाना जाता हूं, और आप सभी लोग मेरा नाम पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी लिखा हुआ है, और वहीं पे सब्सक्राइब का भी बटन है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो ही हमारी वीडियो की रीच आगे बढ़ेगी। तो मेरा नाम है सर्वर, ठीक है, सर्वर के नाम से भी जाना जाता हूं। तो पहला सवाल एक शख्स का है और उसका नाम परफेक्ट मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो पूछते हैं कि इंटरनेशनल क्रेन जो कि सीखने में कितने समय लगेंगे और उसमें काम करने के लिए जॉब के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो मोबाइल क्रेन होते हैं, तो उसमें अगर आप जाते हो तो कहीं अगर इंडिया में ही काम करते हो तो पहले तो उसकी एंट्री बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर वहां वैकेंसी रहेगी तो ही आपको एंट्री मिलेगी, और उसमें एंट्री करोगे तो उसमें काम की नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रेन आपको मिलेगी, मोबाइल क्रेन जो कि रोड पे सड़क पे चलती रहती है, उसकी काम की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या मतलब, इतना नॉलेज होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ आप कर लो, क्योंकि वो क्रेन जो है कि आपके भरोसे हो जाता है। जैसे कैसा होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप बाइक खरीद लिया तो वो आपके भरोसे चलता है, तो उस क्रेन में भी ऐसा ही। मोबाइल क्रेन लेते हो, हाईवे पे दौड़ेगी, सब जगह जाएगी और वहां पे आप काम करोगे, उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज रहेगी तो ही बात बनेगी। आप उसकी हेल्परी करोगे, अगर हेल्परी मिल जाती तो लगभग नहीं तो 1 से 2 साल मैक्सिमम जाते हैं उसमें, और सीख लोगे तो बहुत ही आसानी है। उसकी लाइसेंस भी तगड़ी होनी चाहिए तो ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और काफी सारे लोगों से मैंने भी बात किए हैं जो कि अभी नहीं काफी समय पहले बात किया था, वो चीजें नॉलेज आप सभी को प्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरी बात, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी पहली बात तो देखिए, मैंने 20 से 30 हजार के अंदर बोला था, लेकिन इस लाइन में भी कॉम्पिटिशन है। अगर सैलरी अगर आपको चाहिए तो पहली बात तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसकी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, या चाहे 10 हजार के हो, चाहे 20 हजार के हो, चाहे 25 हजार के हो, चाहे 30 हजार के हो, तो सैलरी स्लिप इंपॉर्टेंट है। टावर क्रेन में अगर आप आते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हो, तो मैक्सिमम आपके पास सैलरी होनी चाहिए, तो उसकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर उसकी सैलरी स्लिप में अगर 20-22 हजार है तो आप 5-10 हजार बढ़ा के मांग सकते हो, लेकिन 10 हजार कोई नहीं बढ़ाएगा, मैक्सिमम 3 से 4 हजार बढ़ा जरूर से देगा। तो जैसे कि मैक्सिमम लोगों की सैलरी कितनी होती है, 20 हजार होती है और 25 हजार होती है। ये 20 से 25 हजार के अंदर मतलब 80% लोगों की होती है। अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हैं तो आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं कि सैलरी वाकई में कितनी मिलती है, वो आप रिप्लाई कर सकते हैं। मेरे नजर में जितना था और मैंने अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं 5-6 साल से हूं, स्टार्टिंग में 18 हजार था और अभी 25-26 हजार के आसपास लोगों की सैलरी मतलब ज्यादातर देखने को मिलती है। तो ये चीजें हैं, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। और तीसरे नंबर की ये, अगर आपको इस लाइन में आना हो, चाहे मोबाइल क्रेन हो चाहे टावर क्रेन हो, अगर दोनों में से किसी एक में आना हो तो सबसे टफ है, जो कि सबसे भारी पड़ने वाला है, मोबाइल क्रेन। उसमें जाओगे थोड़ी मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत है, थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत है, उसमें मेहनत करने पड़ेंगे और तब जाके आपको अच्छी खासी, यानी कि अगर भारत में ही रहते हो या फिर इंडिया में ही अपने रहोगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, लगभग 40 हजार के आसपास। अगर इसी चीज को देखते हुए अगर आप विदेश चले जाते हो तो 1 लाख क्रॉस भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, 1 लाख क्रॉस हो सकता है। अब चाहे सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं भी हो, 1 लाख से भी ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी नहीं रहेगा, जो कि जॉब भी बहुत कम रहेंगे, 8 घंटे से भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब क्रेनें उतनी नहीं चलती हैं, लेकिन सैलरी बहुत तगड़ी लेवल से मिल सकती। तो ये रही तीसरी बात की, ये कि अगर आपको इस लाइन में आना हो तो इस लाइन में आपको कैसे आना होगा। पहले तो मोबाइल क्रेन की बात में बात कर लेते हैं कि इसमें तो आप सभी को बहुत मेहनत पड़ने वाला है, बहुत टफ है। इसमें अगर आप चाहते हो तगड़े पैसे कमाने के लिए कमा सकते हो, लेकिन टावर क्रेन में कैसे आ जाए। टावर क्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है, आप सभी को मैंने अब तक कई सारी वीडियोस में दिखा दिया कि टावर क्रेन कैसा दिखता है।
ये टावर क्रेन 5-6 टन के आसपास ही रहता है और कुछ 10 टन के ऊपर भी आता है, मतलब 10 टन के आसपास भी आते हैं तो कुछ 25-30 टन के भी आते हैं और जो लॉफिंग क्रेन में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम टावर क्रेन के बारे में बात करते हैं। एसी का क्रेन में चलाता हूं तो इस बारे में हम बात कर रहे थे। इस क्रेन में अगर आपको आना है तो वैकेंसी रहेगी तो ही एंट्री मिलेगी हेल्परी की, डायरेक्ट ऑपरेटिंग में नहीं दिया जाएगा, तो उसमें हेल्परी आपको करना पड़ेगा। हेल्परी में आपको 15,000 के आसपास सैलरी मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लाइसेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो लाइसेंस होगी तो ही एंट्री मिलेगी, अगर लाइसेंस नहीं रहेगी तो बातचीत करके एंट्री ले सकते हो, लेकिन तुरंत से आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन आपको काम जरूर से नहीं करने दिया जाएगा, भले ही आपको काम की एंट्री ले ली जाएगी लेकिन आपको काम करने नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं हो। तो लाइसेंस आपको बनाने के लिए कंपनी में एंट्री करना पड़ेगा और वहां पर थर्ड पार्टी के जो रहते हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा, या फिर वो लोग जो लाइसेंस बनाते हैं वहां पे आपको पता चल जाएगा, आपको लाइसेंस बनवाने ही पड़ेंगे, बिना लाइसेंस का आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। टावर क्रेन ऑपरेटर जो होते हैं उनकी खुद की भी लाइसेंस होती है और हेल्पर क्रेन के जो हेल्पर होते हैं उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि मतलब ही नहीं है आपका स्टेज में आने का मतलब। ठीक, तो ये चीजें बहुत ही डजेंट मैटर करता है। पहले तो आप सभी को क्रेन में आना है, तो हो सकता है कि अगर कहीं पे बहुत सारे क्रेन हो, कहीं बिल्डिंग बन रहा हो, तो कहीं कहीं मुंबई में ऐसे कई सारे लोकेशन है जहां पे बहुत सारे क्रेने रहती हैं, अगर वहां पे अगर आप जाते हो तो एंट्री, अगर बहुत ही आसान लेवल से मैं आप सभी को बताऊं, अगर उस कंपनी में जाते हो तो आपको किसी एक काम के लिए बिल्कुल भी चले जाओ। ठीक है, जैसे कि कोई हल्का काम जो हो, जैसे कि वर्क करके किसी झाड़ू वगैरह में, या फिर कह सकते हो मतलब कई सारे ऐसे हैं, मतलब सामान उठाकर शिफ्टिंग वाले में भी चले जाओ, मतलब कई सारे ऐसे काम है, तो उस काम में अगर जाते हो तो हेल्परी के, मतलब हेल्पर के तौर पे भी जाते हो तो उसमें एंट्री तो हो जाएगी, और फिर वहां से आपको साहब से बात करने पड़ेंगे कि मैं टावर क्रेन ऑपरेटर का हेल्पर बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस चीज से, तो उस चीज से रिलेटेड आपको कुछ कुछ सीखने पड़ेंगे तो ही एंट्री बनेगी, वरना नहीं बनेगी, कितना हूं हाथ पैर चला लो। तो ये चीजें मैटर करती है, अगर आपके पहचान वाले हैं तो उससे भी मैटर करता है कि आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूं। अगर किसी भी चीज के बारे में और भी जानना है तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में सारी जानकारी बता दूंगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा सैलरी जो है 25,000 के अंदर में ही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।